कि बारिश एंजॉय करके और ज्यादा मजा आ रहा है। गर्मा गर्म कचौरियाँ बन रही है, गर्मा गर्म कचौरी है, इसे खाते हैं। इसे तोड़ के इसकी फीलिंग देखते हैं कैसी है। वाह जी वाह, देख रहे हो कितनी खस्ता कचौरी है। बारिश, नेचर, उदयपुर की ब्यूटी। भाई फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रहा हूँ राजस्थान की केर सांगरी की सब्जी। सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होर जी कितना सारे, आई होप तुसी सारे वधिया होंगे। सत श्री अकाल जी सारेयां नूं। सत श्री अकाल जी सारेयां नूं। हां जी, तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम सज्जनगढ़ फोर्ट आए थे और फोर्ट हमने अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया और एकदम बारिश होने लगी बहुत ज्यादा तेज, तो हमने फिर व्लॉग वहीं एंड कर दिया था। अब ये व्लॉग हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, अभी भी हम अपनी कार में बैठे हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि और ज्यादा तेज हो गई है। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना बारिश में चलकर उदयपुर को एक्सप्लोर करते हैं कि बारिश में उदयपुर लगता कैसे है, है ना। चलो फिर लेट्स गो। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है ड्राइव करके, बारिश एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है ना। बहुत मजा। ओहो, किसी की बाइक खराब हो गई। नहीं, गलत फंसा ली इसने, इसको ऊपर से टर्न लेना चाहिए था घुमा के। हाँ। उसने वहीं से टर्न ले लिया, यहाँ रोड भी खराब है, कोई नहीं निकल जाएगा। हाँ, वो भी तीन लोग थे। पहले रूल ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर से रास्ता ही ब्रेक कर दिया है। सिरा मौसम होया हुआ है वो है पंजाबी में। सबसे बेस्ट चीज को अगर आपको कोट करना हो या बताना हो ना कि बहुत बेस्ट है, उसे कहते हैं सिरा। इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। सिरा मौसम, एकदम सिरा मौसम हुआ हुआ है। पहुंच रहे हैं ऑलमोस्ट, तो बहुत मजा आया मानसून पहले से दिन करके और ये बारिश एंजॉय करके और ज्यादा मजा आ रहा है। भाई बारिश हो रही है तो हमने सोचा गर्मा गर्म राजस्थानी कचौरी खाते हैं, आलू प्याज वाली। जयपुर में तो हमने ट्राई की थी आलू प्याज की कचौरी, अब उदयपुर में ट्राई करते हैं यहाँ की आलू प्याज की कचौरी कैसे है। तो हम आए हैं जोधपुर मिष्ठान भंडार शॉप पर, JMB। अब देख सकते हो गर्मा गर्म कचौरियाँ बन रही है, भैया बना रहे हैं, कर रहे हैं और रेडी हो रही है। हमारी गर्मा गर्म कचौरियाँ तैयार हो रही है। और ये आप सामने देख सकते हो फतेह सागर लेक, ये काफी बड़ी लेक है। हम अक्सर जो सामने आप देख रहे हो उस एरिया में घूमकर जाते थे, पर आज फर्स्ट टाइम हम इस लेक के दूसरी साइड आए हैं घूमने के लिए। और वो सामने आप देख रहे हो फिर से सज्जनगढ़ फोर्ट, मानसून पैलेस जहाँ हम अभी गए थे। और सज्जनगढ़ फोर्ट से मैंने आपको फतेह सागर लेक और पिचोला लेक दिखाई थी, और अब फतेह सागर लेक से आपको मैं फिर से सज्जनगढ़ फोर्ट दिखा रहा हूँ। तो ये है फतेह सागर लेक। आज तो उदयपुर घूमने का मजा आ गया बारिश होने की वजह से। उदयपुर शहर अपने आप में इतना ब्यूटीफुल है, ऊपर से बारिश हो रही है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत मज़ा आ रहा है और एकदम प्लेजेंट हो गया है वेदर। जितनी गर्मी थी ना वो सारी दूर हो गई। तो लेक के सामने गाड़ी पार्क करके जो गर्मा गर्म कचौरी हमने पैक करवाई थी वो खाते हैं, है ना भाई। हाँ जी हाँ बिल्कुल। की खा रहे हो? तो चलो जी गर्मा गर्म कचौरी है, इसे खाते हैं।
सबसे पहले इसे तोड़ के इसकी फिलिंग देखते हैं कैसी है। वाह जी वाह, देख रहे हो कितनी खस्ता कचौरी है, कैसे टूट रही है, आवाज आ रही होगी आपको। क्या बात है भाई, क्या बात है, फुल्ली लोडेड कचौरी है ये तो। जो हमने जयपुर में खाई थी अभी वो इतनी फुल्ली लोडेड भी नहीं थी और थोड़ी सी ड्राई थी। ड्राई इन द सेंस ये ज़्यादा स्टफ्ड भी है और जो इसके अंदर जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी अब जैसे पेस्ट होता है ना वैसी लग रही है। जो कांट वेट, चलो टेस्ट करते हैं। अब देख सकते हो प्याज, आलू का पेस्ट, मसाले, वाह जी वाह। बस सिरा एकदम एंड, एकदम जबरदस्त कचौरी, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट, बहुत ही ज्यादा टेस्टी। जयपुर में जो हमने खाई थी ना वो स्वाद थी, पर ये जो कचौरी उदयपुर वाली ये तो मतलब जबरदस्त, मतलब आज तक इससे बेहतर कचौरी मैंने कभी नहीं खाई। इतनी ज्यादा स्वाद, इतनी ज्यादा खस्ता। और एक बाइट लेके बताता हूँ आपको। आपको इतना ज्यादा खस्ता, इतना अच्छा क्रंच आ रहा है ना, और जो मसाले है बहुत चटपटी कचौरी है, बहुत ज्यादा स्वाद, हल्की सी स्पाइसी है, चटपटी है, मजा आ गया। बहुत ज्यादा स्वाद कचौरी है, मजा आ रहा है। पहले तो हमने सोचा था कि एक एक कचौरी पैक करा लेते हैं, लेकिन जब मुझे खुशबू आ रही थी ना, बन रही थी गर्मा गर्म, मैंने दो दो वैसी पैक करवा ली थी, इतनी ज्यादा स्वाद है। बहुत अच्छा किया मैंने जो दो दो कचौरियां पैक करवा ली मैंने। हाँ जी, तो आप बताओ टेस्ट करके कैसी लगी आपको? मन कर रहा खाते रहो, बात कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा। बहुत ज्यादा टेस्टी, बेस्ट एवर कचौरी अब तक की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, वाकई में बहुत ज्यादा स्वाद कचौरी, JMB की, जोधपुर मिष्ठान भंडार वालों की। तो बारिश में उदयपुर का चक्कर लगा के, उदयपुर शहर घूम कर, उदयपुर की गर्मा गर्म कचौरी खाकर वापस हम अपने होटल आ गए हैं फतेह निवास। बहुत तेज बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। और जोरावर हम को मैं बोल रहा हूँ कि अम्ब्रेला के नीचे आ जाए, छाते के नीचे आ जाए, लेकिन उसको मजे आ रहे बारिश में भीगने के, तो आगे आगे भाग रहा है। हाँ जी, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨੰਦੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਯੈਸ, ਕਿਰਪਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪੜਾਤਾ ਹੈ। ਨੱਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਦੀ ਨੂੰ। ਯੈਸ। लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ जी, तो घूम फिर कर बारिश में उदयपुर एंजॉय करके अब वापस रूम में आ गए हम लोग। आपको मैं दिखाता हूँ हमारी बालकनी से व्यू बाहर बारिश का, क्या बात है भाई। अब यहाँ बैठकर बारिश एंजॉय करेंगे, गर्मा गर्म चाय या कॉफी पियेंगे, है ना भाई जरा? ओ यार, तुझे तो मेरी सीट ले ली यार, तो इसी बैठूंगे। कितने? ओ माउंटेन देख रहे? यस, माउंटेन एकदम ऊपर ना। यस, अब उठी जाके आए होनी। उस फोर्ट का नाम क्या है? बारिश, नेचर, उदयपुर की ब्यूटी,
ये ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, क्या बात है, ब्लिसफुल। गुलमर्ग में, फिर पहलगाम में जब हमने हट ली थी तो हम बाहर ही बैठ के व्यू एंजॉय करते थे, और अब राजस्थान में उदयपुर में भी हम अपनी बैल्कनी में बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे हैं, और बारिश हो रही है। बन गया अपनी प्राइवेट बैल्कनी, अपनी पर्सनल बैल्कनी, और बारिश और व्यूज, क्या बात है ना। बारिश का मौसम, पीछे तेज बारिश हो रही है, और गर्मा गर्म कॉफी। चीयर्स। दिन ढल चुका है, रात होने लगी है, बारिश भी रुक गई है, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, दूर ऊपर सज्जनगढ़ फोर्ट की लाइटें भी ऑन हो गई है। दिन में सज्जनगढ़ फोर्ट की अपनी ब्यूटी है, और रात में लाइट्स ऑन होने के बाद इसकी अपनी ब्यूटी है, और जो व्यू हमारे रूम की बैल्कनी से मिलता है इसके तो क्या कहने। देखते हैं जोरावर सिंह अंदर क्या कर रहा है। जोरावर सिंह अंदर अपनी मम्मा के साथ पता नहीं कुछ खेल रहा है या क्या कर रहा है। मस्तियां हो रही है, जोरावर उसकी मम्मा की मस्तियां हो रही है। जोरा मस्तियां हो रही। हां जी यस। Let's sit here. हाँ जी, तो आज हम सोच रहे कुछ ट्रेडिशनल वेज फूड मंगाते हैं, तो हम मंगाएंगे केर सांगरी और गद्दा करी की सब्जी। लास्ट टाइम जब दिसंबर में हमें आए थे तो हम वो पीछे वाले टेबल पर बैठे थे, तो जोरावर को अभी भी वो याद है, कहता है मैंने उसी टेबल पर बैठना है जैसे कि इसने वॉलनट ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम खाई थी, इसे ये भी याद है। हम दिसंबर में आए थे, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए इस बात को, लेकिन तो भी इसने इस बात को याद रखा हुआ है, और कहता है कि मैंने उसी सीट पर बैठना है, और मैंने खाने के बाद आइसक्रीम खानी विद केक। है जोरा, पहले रोटी स्टार्ट करना है। ओके, सांगरी ये राजस्थानी मैं भी खाऊंगा। राजस्थानी ये पंजाबी यूनियन मैं भी खाना पंजाबी रोटी भी है। स्पाइसी आगे जी हमारी राजस्थानी की स्पेशलिटी केर सांगरी, कट्टा करी, लच्छा पराठा, बिचार एंड सैलेड। भाई फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करने जा रहा हूँ राजस्थान की केर सांगरी की सब्जी, हमने ऑर्डर किया। क्या बात है भाई, खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त आ रही है, क्या बात है। भाई राजस्थान आए हैं तो राजस्थानी फूड खाएंगे, और ये है जी गट्टा करी, ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राजस्थानी डिश है, ये तो हम घर में ही बनाते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं केर सांगरी, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। क्या बात है, किसान ने तो कमाल ही कर दिया, और ज्यादा स्वाद, एकदम क्रंची सब्जी है, और जो मसाले हैं एकदम सिंपल मसाले हैं, और थोड़े से खट्टे और मीठे से मसाले हैं, और बहुत ज्यादा स्वाद है, और जो केर सांगरी है ना इसका एक अपना क्रंच है, बहुत ज्यादा स्वाद, मजा आ गया। अब टेस्ट करते हैं गट्टा करी। तो
है, यम्मी, बहुत ज़्यादा स्वाद, स्पाइसी, थोड़ी सी टैंगी क्योंकि इसमें दही यूज होता है, फ्लेवरफुल, बहुत ज़्यादा स्वाद है, मज़ा आ गया। How's the food? हाँ हलिया बहुत ज़्यादा स्वाद था, केर सांगरी गट्टी की सब्जी तुम्हें इतनी ज़्यादा स्वाद थी, बहुत ज़्यादा फुल हो गए, मज़ा आ गया है ज़रा, मज़ा आ गया। All right. बहुत tasty. आपको एक टोन थोड़ी थोड़ी टोन है ना, फिर मम्मा रखेंगे। हाँ जी, तो डिनर हो गया, रोटी खा ली, बहुत ज़्यादा स्वाद थी सब कुछ। तो ठीक है जी, आज का ब्लॉग फिर हम यहीं एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लें, लिंक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑलराइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।